हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरके एस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फ़ोन है जियो का, यानी कि लाइफ का, और इसका जो मॉडल है F220B। तो फ्रेंड, इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखिए, इसका जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन यहाँ पे ख़राब है, ये वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जो माइक्रोफोन लगा हुआ है वो डिजिटल, यानी कि IC माइक्रोफोन। तो फ्रेंड, अगर आपके पास ऐसा जियो का फ़ोन आए उसमें अगर माइक्रोफोन ख़राब रहता है, तो आपके पास अगर सेम माइक्रोफोन है तो आप उसको इजी लगा सकते हो। अगर माइक्रोफोन नहीं है तो तब इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल माइक्रोफोन वायर माइक्रोफोन में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो कीपैड है, कीपैड को हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए इसका माइक्रोफोन, ओके फ्रेंड। तो चलिए, अब इस माइक्रोफोन को यहाँ पर मैं रिमूव कर लेता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, जो माइक्रोफोन का यहाँ पे पिन है, आप देख सकते हो, ये जो माइक्रोफोन है ये 4 पिन का माइक्रोफोन है, ठीक है। तो अभी कौन सा पॉइंट पे इसका क्या सप्लाई है उसको हमको फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो मीटर को आप यहाँ पे बर्जा रेंज पे सेट कर दीजिए, ओके। ये देखिए इसका ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड, ये इसका पॉजिटिव सप्लाई, और यहाँ पे देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो है ये नो सिग्नल, ठीक है फ्रेंड। तो अभी वायर माइक्रोफोन एक लेते हैं, और वायर माइक्रोफोन आप कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इसको अभी यूनिवर्सल माइक्रोफोन यानी कि वायर माइक्रोफोन में हम कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो मैं माइक्रोफोन को इधर रखता हूँ, उसके बाद आपको एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का जरूरत है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको होना चाहिए 2 से लेके 10 किलो ओम्स का, या उससे भी ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए आपको ये जो ओम्स की रेंज है, ओम्स की रेंज में यहाँ पे आपको सेटिंग कर देना है। तो देखिए, जो 20 किलो ओम्स की रेंज पे है, मैं उसको सेटिंग कर दिया। अभी एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे चाहिए, तो रेजिस्टेंस जो है आप किसी भी डेड मदरबोर्ड में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल गया जिसका वैल्यू है 2.21 ओम्स का। तो फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कम चल जाएगा, ओके। तो इस रेजिस्टेंस को अभी हमको यहाँ से रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ब्लैक कलर का, इसका वैल्यू तो हमें मिल गया। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस है इसको फटाफट से मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करके फिर इसको यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ, ओके फ्रेंड।
तो फ्रेंड ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो अभी इसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। ये देखिए जो नो सिग्नल और ग्राउंड है इसके बीच में हमको ये रेजिस्टेंस को यूज करना है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो नो सिग्नल और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है इसके बीच में मैंने इस रेजिस्टेंस को यूज़ किया। अभी जो वायर माइक्रोफोन है उसको आप सबसे पहले एक बार नो सिग्नल पे यहाँ पे लगा दीजिए और एक साइड यहाँ पे ग्राउंड पे लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप चेक करके देखिए, अगर नहीं सॉल्व होता तो तभी आप पॉजिटिव में एक सप्लाई और यहाँ पे देखिए जो ग्राउंड है ग्राउंड में एक सप्लाई आप लगा दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो आप एक साइड को यहाँ पे जो ग्राउंड है ग्राउंड पे लगा दीजिए। और दूसरे को यहाँ पे नो सिग्नल पे। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वायर माइक्रोफोन है मैंने इसको एक साइड ग्राउंड और दूसरे साइड जो है यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई है इसमें जम्पर कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी एक बार चेक करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो तभी हमको जो करना पड़ेगा इसको चेंज करके, प्लॉट को चेंज करके फिर नो सिग्नल पर लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बैटरी लगा के ऑन करके उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी देखिए जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी इसको जो है प्लॉट को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव से अभी नो सिग्नल पे लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। हेलो हेलो, तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, तो फ्रेंड आपको मेनली जो करना है मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जो रजिस्टर यूज़ किया गया है उसका दो साइड है, एक है पॉजिटिव दूसरा है नो सिग्नल। तो पॉजिटिव में अगर कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो तभी आपको नो सिग्नल पे इसको जम्पर करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा।